टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ टॉपिक विच इज़ पॉलीमर्स. बड़ा लगता है कि ड्रैब्स अ टॉपिक है, क्योंकि हमने क्या किया इसे एनसीईआरटी में जब हमने इसे उठाया, ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है और लगता है इसे क्या पढ़ना, छोड़ो. बट एक्चुअली ये क्या कहें, जैसे बायोमोलिक्यूल मैंने एम्फसाइज किया है, आसान सा टॉपिक होता है, ज़्यादातर बच्चे करते नहीं हैं, ये आपकी एज बनती है, ये दो चैप्टर को बहुत अच्छी तरह करना होता है. और तीसरा होगा इनऑर्गेनिक, जब वहाँ आऊँगी फिर से कहूँगी बाकी नहीं करेंगे, एज बनाओ. पॉलीमर क्या है, एनसीईआरटी वाली ही चीज़ें थोड़ी सी घुमा के दी जाएँ तो आपका कॉम्पिटिटिव है. देयर इज नथिंग न्यू टू इट, बट द थिंग इज यू शुड बी एबल टू कनेक्ट टू ऑर्गेनिक द रिमेनिंग पोर्शन टू गेट योर आंसर राइट. तो क्या करना है, जब आप पॉलीमर पढ़ें एनसीईआरटी पहले रिवाइज कर लें, मॉड्यूल रिवाइज कर लें, सारे पॉलीमर टाइप याद करें, और फिर जब क्वेश्चन कराने बैठूं मैं तो आपके पास अब वहाँ से कनेक्टिविटी बननी चाहिए. तो एनसीईआरटी से शुरू करें तो बेसिक रिविजन, व्हाट इज़ अ पॉलीमर, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पॉलीमर रिएक्शंस, देन यू विल से टाइप्स आर स्टेप ग्रोथ एंड चेन ग्रोथ, जिनमें हमने क्या कहा, जहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल निकले कंडेंसेशन, जहाँ पे डबल बॉन्ड हटके आपके पास चेन बड़ी हो एडिशन. तो आई एम जस्ट गोइंग इन टू सम एग्जाम्पल्स एंड सम क्वेश्चन हाउ यू हैव टू रीड दिस टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव. तो जब मैंने कहा वर्ड कॉन्डेंसेशन, तो कॉन्डेंसेशन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लॉस, किस तरह के मॉलिक्यूल्स कॉन्डेंसेशन दिखाते हैं, तो मैं कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल लेने वाली हूं. कॉमन एग्जाम्पल बताओ जो एनसीईआरटी से ही आपने पढ़ा, वो है नायलॉन 6.6. अब मुझे बताओगे आपको एनसीईआरटी पे पूछा गया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टर्म्स 6.6 प्लेस्ड इन नायलॉन. तो आप कहते हैं वो 6 जो है वो मोनोमर के कार्बन बताता है, बट कौन से मोनोमर के कौन से कार्बन. तो वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड देर इज अ नॉमिक्लेचर पैटर्न, तो वी फॉलो दैट. एंड देन व्हेन आई राइट अ ग्रुप विच इज NH2 हेक्सामिथाइलीन डायअमीन, आई हैव एन अमीन. And when I react it with a carboxylic acid, which is also 6-carbon, and I know it's a dicarboxylic acid, this is going to be adipic acid. Total carbons are again 6. But when acid or base ko react karoge, neutralization hai, loss of water hoke, jab jud jaye, to humare ko pata hai, ye amide link banega. To amide link mein loss of water hua. Maine high temperature, high pressure dala. Aur ye reaction jab n such molecules of this, n such molecules of this minus n molecules of water hoga, mera product banega CH2 six times NHCO CH2 four times. ये आपका था polyamide. क्यों, ये अमाइड लिंक आपने एक एसिड और एक अमोनिया का लिंक के साथ वाटर के लॉस से पॉली अमाइड बनाया नायलॉन 6.6. ये बताओ ये पहला 6 हमेशा एन टर्मिनल से शुरू करना है, ये वो वाला 6 है, दूसरे वाला जो है वो कार्बन टोटल ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल है, तो 6.6 को ध्यान रखना. सपोज मैं कहूँ वन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज नायलॉन 2.6, तो क्या 2.6 आप खुद बना लोगे, कंडेंसेशन है. और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, स्ट्रक्चर बनाओगे बताओ ये कौन सा है, तो 2.6 पहले बनाते हैं, फिर कोई भी स्ट्रक्चर देखे मैं पूछूंगी कौन सा बताओ नायलॉन, तो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए. तो मैं बना रही हूँ 2.6, तो क्या लगाऊ नायलॉन 2, नायलॉन 2.6 क्या होना चाहिए. ऐसे ही हाइपोथेटिकल मैंने बनाया, तो आप कहोगे आपके पास 2 कार्बन एटम होने चाहिए, तो क्या लूँ CH2 CH2 NH2 NH2, और साथ में 6 मतलब कौन सा एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एडिपिक एसिड, फिर से लेती हूँ. अब आपका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, लॉस ऑफ वाटर, कॉन्डेंसेशन, माइनस NH2O माइनस दिस, एंड आई एम नाउ गोइंग टू गेट अ पॉलीमर जिसमें लॉस ऑफ वाटर के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, CH2 CH2 NH NH CO, अमाइड लिंक, फिर से CH2 four times COO
n times is now nylon 2.6. ये बताओ, जब पहला मोनोमर हमेशा एन टर्मिनल लेना है, उसमें दो कार्बन है, तो दूसरे वाले में टोटल 6 हैं, तो ये 2.6. सपोज मैंने आपको हाइपोथेटिकली बोल दिया 7.6, तो पहचान पा रहे हो क्या करना है? और अगर स्ट्रक्चर बना पाए और पूछ रहा है कौन सा नायलॉन है, डू यू फॉलो व्हाट यू हैव टू डू, तो पहले वाला जो होगा वो एन वाला गिनो, कितने कार्बन एटम हैं उसमें. और अगर पॉलीमर बना हुआ है, इसको अगर मुझे गिनना हो, तो मैं पहले वाले दो, उसके बाद एन, इस इधर भी एन. ओ, ये मेरा एरो इधर होना चाहिए, ये जो मैंने ब्रैकेट बंद किया इधर होना चाहिए. मैं ये कह रही हूँ कि CH2, अब एन और एन, इसका मतलब ये पहला मोनोमर है, उसके आगे ये टोटल. तो अब मैंने 2 and 6 यहाँ से डिसाइड करके लिख दिया. सपोज मैंने कहा बनाओ 7.6, तो क्या फ़र्क करना है इसमें? 6 वाला पोर्शन वही रहने दें. अब इधर क्या डिफरेंस? I have to make the total CH2 groups. If I'm changing this to 7.6, तो चेंज क्या करूं? यहाँ पे मैं 6 लगा दूं, ये टोटल 7 हो गए. तो दिस इज नाउ नायलॉन 7.6. तो यू शुड कनेक्ट टू अ स्ट्रक्चर विच इज गिवन, क्लासीफाई एंड कनेक्ट टू द नेम. तो नाम अगर दिया है एक साइड में, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, समझ पाओगे? नायलॉन 2.6, नायलॉन 6.6, 7.6, कोई भी आए पहचान लेंगे. पर अब एक दूसरा टाइप है, वो है नायलॉन 6, NCERT में है. बताओ व्हाट इज नायलॉन 6? उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है, प्रिपरेशन मैकेनिज्म बेस्ड. पहले मैं वो समझा रही हूँ, फिर नायलॉन 6 बताती हूँ. अब जब मोनोमर है ये, जिसके अंदर दो अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे एक COH और एक NH2, तो इसका नाम अमीनो कैप्रोइक एसिड. टोटल कार्बन 6 हैं, बट अब देखो ये NH2 ग्रुप डाईफंक्शनल, आपके पास ऑलरेडी एक ही में डाईफंक्शनल NH2 दो और दो COH, जैसे नायलॉन 6.6 का वैसे नहीं. ये मोनोमर अगर लिंक करेगा तो हम क्या लिखेंगे? N such molecules link, this is a homopolymer, एक ही, तो हम लिखेंगे CH2 5 CO NH, and this is going to be N times, but how do I come to know it is amide? Because this COH is going to, from the next molecule, link with an NH. तो ये भी पॉलीअमाइड है. बट अब ये नायलॉन 6.6 नहीं है, सिर्फ नायलॉन 6 है, क्योंकि 6 कार्बन एटम का मोनोमर, बट एक ही, जिसमें एक तरफ कार्बोक्सिलिक, एक तरफ NH2 है. अमाइड वो अभी भी बनेगा. बट अब क्वेश्चन था कि ये बनाया कैसे था. अब क्वेश्चन बनाया कैसे मैंने, ये देखो, एक 7 मेंबर रिंग समझे. ये था कैप्रोलैक्टम, जो NCERT में बताया है. जब इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये खुल जाएगा. और यहाँ से आपके पास कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे अमीनो. टोटल कार्बन अगर मैं गिनूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन एटम टोटल विद 1 कार्बोक्सिलिक इज हाउ इट ओपन्स अप. बट द IIT क्वेश्चन वाज, स्टार्टिंग फ्रॉम साइक्लोहेक्सिनोन, हाउ वुड यू प्रिपेयर कैप्रोलैक्टम? वहाँ पे NCERT में ये नहीं है, NCERT में यहाँ से समझा रखा है, ये भी समझ आ गया. अब वॉट इज दिस पार्ट, आई हैव टू एक्सप्लेन दैट टू यू. क्वेश्चन है कि मेरे पास साइक्लोहेक्सिनोन है, अब बताते जाना ये क्या हो रहा है रिएक्शन. मैंने डाला है बीच में NH2OH, pH 3 से 4, कनेक्ट कर रहे हो क्रायोशीज, कोई भी एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोक्सिलमीन, क्या बनाने वाला है? आप कहोगे लॉस ऑफ वाटर, आई एम गोइंग टू गेट डबल बॉन्ड NOH, क्या? ऑक्साइन. तो साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइन हाइड्रोक्सिलमीन के साथ बन गया. अब अगला रिएक्शन लिखा था इसके आगे H+. व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद H+ इज बेकमैन रीअरेंजमेंट. तो ये रीअरेंजमेंट है क्या? ये रीअरेंजमेंट है कि जब आप H+ डालोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, कि प्रोटोनेशन हो जाए, ये प्लस गुड लीविंग ग्रुप बन के जैसे ही निकले, ट्रांस ग्रुप माइग्रेट हो और अटैच हो जाए, तो आपने रिंग को एक्सपैंड कर दिया है. तो यहाँ से एक्सपैंड अगर इस पे अटैक हो, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू राइट इट एज, क्या हुआ, जैसे ही वाटर निकला,
ये शिफ्ट हुआ, ये माइग्रेट होकर यहाँ ज्वाइन हो गया तो कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, ये इधर ज्वाइन हो गया, यहाँ पे प्लस है, वाटर मेरे पास है एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे. तो व्हाट एम आई गोइंग टू एंड अप विद आफ्टर हाइड्रोलिसिस? दिस वाटर विल कॉज दिस कार्बन एटम टू एक्चुअली एक्सेप्ट दिस, एंड द मोमेंट ही न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्ट होगा ये शिफ्ट, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया हाइड्रोलिसिस के बाद? ये बन गया है सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि यहाँ पे वाटर का अटैक टॉटोमराइज होके एन एच बीच में आ गया. तो ये मेरे पास था कैप्रोलैक्टम. तो कैप्रोलैक्टम की प्रेपरेशन फ्रॉम बेकमैन रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट थी. उसके आगे हाइड्रोलिसिस, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, सी एच टू फाइव सी ओ ओ एच. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बट दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज एन आई आई टी क्वेश्चन. कैसे बनाया साइक्लोहेक्सेनोन से? ये वाला पार्ट मैंने नायलॉन 6 बता दिया. अब अगला टाइप का एक नायलॉन जो क्वेश्चन में आएगा वो है नायलॉन 2 नायलॉन 6. अब ये क्या है? 2.6 अलग है. अब व्हाट इज नायलॉन 2.9 6? नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट दिस. अब समझते हैं ये कॉमा के बाद एक और नायलॉन 6 क्या है. चलो देखें इस मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये क्या है, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप फिर से, दो कार्बन एटम. सो दिस आई कैन अंडरस्टैंड इज नायलॉन 2. And when I have this group, which has a total of total 6, अभी बताया मैंने अमीनो के प्रोएक एसिड, टोटल कार्बन 6, फिर से NH2 ग्रुप, ये है नायलॉन 6. अब अगर मेरे पास इस तरह की क्रॉस लिंकिंग अब पॉलीमराइजेशन हो तो मैं कहूँगी CH2NH, then CONH, CH25, C double bond O is now going to be a polymer which is not nylon 2.6. Nylon 2.6 में क्या था? Nylon 2 में मेरे पास दो CH2, बीच में NH2. दूसरा वाला था 6 मतलब दो COH. That is different from nylon 2 which has two functional groups, comma nylon 6 which has two functional groups. And this is now nylon 2.6. And the interesting part is, why is this biodegradable? Biodegradability comes from the fact that you have reached something which is something you connect to. Hum human body mein hai. Kaun sa amino acid? Ye hai glycine. To ye jo nylon 2 maine kaha ye glycine hi to hai aur ye to natural hai. To glycine wala portion ek ke sath link karne se chance hai, hum nature ke pass leke ja rahe use aur ye ek biodegradable polymer hai. तो कनेक्ट टू द टाइप्स ऑफ नायलॉन, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है, लेफ्ट पे स्ट्रक्चर बने और लिंक करके आपसे पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग पूछा गया है. तो बी केयरफुल किसके साथ कौन सा मैच करेगा. नायलॉन 2.6 क्या है, नायलॉन 2.9 6 क्या है, एक टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है. पॉलिएस्टर पढ़ाती हूँ, ये भी कंडेंसेशन है और नायलॉन की तरह इसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप, एस्टर ऑब्वियसली एक एसिड और एक अल्कोहल के लिंक से होता है. तो अब मेरे पास सपोज दिया गया है टेरीथैलिक एसिड. टेरीथैलिक एसिड इज लिंकिंग विद इथाइलीन ग्लाइकॉल. फंक्शनल ग्रुप आपको कनेक्ट करने थे, एक इथाइलीन ग्लाइकॉल साथ में टेरीथैलिक एसिड. एक एसिड ग्रुप, एन मॉलिक्यूल्स. क्या होने वाला है जब आप कहते हो एक एसिड और एक अल्कोहल की लिंक होगी? लॉस ऑफ वाटर होगा, कंडेंसेशन है, प्रोडक्ट एक एस्टर बनेगा. इस एस्टर का नाम क्या होगा बताओ जी, कौन सा है ये एस्टर? हम कहेंगे इसे डैक्रॉन, या नाम से जो डिराइव किया टेरिलीन. तो टेरिलीन आपको पता है टेरिकॉट में, टेरिलीन एंड कॉटन आर मिक्स, इट्स अ ब्लेंडेड फैब्रिक. तो ये जब मैं लिखूँ ये क्या है, इसको लिखते वक्त मैं लिखूँगी CO ester link O CH2 n times. I will say this now is dacron. This is going to be how it is prepared from terephthalic acid and ethylene glycol. Loss of water हुआ है, ये आपके पास एक product दिया गया. अगर मैंने कहा कि ये terephthalic acid की बजाय अगर मेरे पास thalic acid हो तो उसका नाम glipter, वो भी है आपके NCERT में. connection में क्या 1-2 position पे COH लगा रहा है. अब एक क्वेश्चन है जो अब ये बता रहा है कि आपको कौन से दो मोनोमर से कैसे प्रोडक्ट मिलता है. एक आईटी क्वेश्चन अब करो, एक क्वेश्चन देखते हैं.
एक कंडेंसेशन पॉलीमर बनाया, एक मोनोमर है कोई जिसमें एक्स ग्रुप दे रखे, कोई एक प्रोसेस वाई उसमें किया है, और उसके बाद कनेक्ट किया है एक और मॉलिक्यूल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या बनेगा, किसमें बनेगा किसमें नहीं। मोर देन वन चॉइसेस का क्वेश्चन है, आपको बताना है किसमें आपका रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट कंडेंसेशन मिलेगा। पहला वो कहते हैं एक्स को लिखते हैं COOCH3 एस्टर। स्टेप वाइज चलना, एस्टर में अगर मैं रिडक्शन करूं तो क्या मिलने वाला है? एस्टर की रिडक्शन विद निकल गिव्स मी एन अल्कोहल। अगर ये अल्कोहल बन जाए मतलब क्या? CH2OH, CH2OH। लिखो जी क्या बना, तो आई एम राइटिंग CH2 फोर टाइम्स, CH2OH, CH2OH। ये बना किसके बाद? निकल के बाद। और साथ में मैंने डाल दिया है CH2 फोर टाइम्स COOH, COOH। अल्कोहल एसिड क्या बनेगा? एस्टर बन सकता है। सो योर आंसर इज फर्स्ट राइट। एस्टर कौन सा बनेगा? आप कहोगे लिंक कर देते हैं एक OH और H हटा के, तो मेरा आंसर होगा अब इफ आई रिमूव वाटर माय आंसर वुड बी आई एम गोइंग टू गेट दिस लिंक टुगेदर दिस एस्टर। व्हाट डू आई डू ऑन दिस साइड? आई लिंक अप हियर, आई रिमूव दिस लिंक अप हियर n टाइम्स। इफ दैट इज n मोल्स, इफ दिस इज n मोल्स, आई हैव गॉट एन एस्टर। बेटर रिटन लाइक, ठीक है समझ आया मुझे, तो ये हो सकता है। दूसरा देखो अमाइड, इधर CONH2 इधर CNH2, रिडक्शन क्या करेगा? अमीन बना देगा। अगर अमीन बन जाए तो आई एम राइटिंग CH2 फोर टाइम्स CH2NH2 एंड CH2NH2 आफ्टर रिडक्शन अमीन। साथ में फिर से एसिड, कौन से वाला? डाइकार्बोक्सिलिक एंड एडिपिक एसिड। You've already studied this. What is this? Carbon 6, carbon 6, nylon 6, 6. Correct? हो सकता है? Next देखो. You have an amide. It is going to be attached on either side. What is this reaction? Bromine in NaOH डाल रहे हैं, मतलब Hoffman degradation या bromamide. क्या करता था वो? CONH2 में से decarboxylation करेगा. तो मेरे पास यहां पे लगा CH2 4, अब आपके पास था CONH2। जब आप दोनों तरफ लगा के हॉफमैन ब्रोमामाइड करोगे तो ये वाला CO का लॉस, ये वाला CO का लॉस, तो NaOH Br2 से बन गया है CH2 4, NH2 NH2, अगेन डायमीन लिंक्ड अप विद CH2 फोर टाइम्स COH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ जी बनेगा कि नहीं? कौन सा टाइप ऑफ नायलॉन? नायलॉन 4, नायलॉन 6। यस इट इज पॉसिबल, बट आई हैवंट रियली रेड अबाउट इट इन NCERT, बट डू यू फॉलो? इट कुड बी एनीथिंग। नायलॉन में आप कोई भी मोनोमर दो, एज लॉन्ग एज बाईफंक्शनल ग्रुप है NH2 COH ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपका आंसर क्या हुआ? यस दिस इज गोइंग टू बी विच टाइप? नायलॉन 4, नायलॉन 6। लास्ट देखते हैं CN नाइट्राइल, निकल हाइड्रोजन CH2 फोर टाइम्स CN CN। व्हाट डस निकल हाइड्रोजन डू टू दिस? मेरा होना चाहिए CH2 फोर टाइम्स CH2 NH2 एंड अगेन CH2 NH2। व्हाट इज दिस? आई हैव हेक्सामिथाइलिन डायमीन कनेक्टेड विद अगेन एडिपिक एसिड। तो आपका आंसर क्या बना? यस दिस इज गोइंग टू बी अ फॉर्म विच इज नाइलॉन 6,6। तो कौन से इनमें से आपके प्रोडक्ट पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन टाइप हैं? आपका आंसर है सारे। NCERT में कौन से पढ़े हमने? हमने पढ़ लिया था जब आपके पास 6 कार्बन वाला NCERT में है। अब 4 कार्बन वाला तो नहीं था, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, यू कैन गेट एनी क्वेश्चन। सो घबराओ नहीं, नायलॉन्स का मीनिंग समझो। नायलॉन 2 कॉमा नायलॉन 6 अलग है, नायलॉन 2 कॉमा नायलॉन 6 क्या है? प्लीज कनेक्ट टू दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नायलॉन्स एस्टर्स पे क्वेश्चन मैंने एक कराया। अब हमारे पास पॉलीमर्स पे एक और टाइप के क्वेश्चन जो रबर्स पे आते हैं।
हम अब ले रहे हैं। दूसरा टॉपिक वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो मैं कुछ उसमें एक मैकेनिज्म करा रही हूँ और कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ बेस्ड ऑन द सेकेंड काइंड विच इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन कब होती है? जब हमारे पास एक डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड में हम कहें कि हमने एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स और डाल दिए सेम टाइप के, हाई प्रेशर लगाया, हाई टेम्परेचर से अगर वो डबल बॉन्ड हट के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करें तो हम कहेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो हमारा एक एग्जांपल पहले में क्या होगा, पॉलीप्रोपाइलीन। तो इफ़ आई टेक पॉलीप्रोपाइलीन आई एम नाउ गोइंग टू गेट अ प्रोडक्ट विद एन मोल्स, क्या लिखूँ, CH, CH3, डबल बॉन्ड बीच में से हट गया, CH2 n times is the first. So based on this, what do I do to the second? CH2, CHCl, n times. PVC, yeah, PVC, polypropylene. Polyacrylonitrile, CH2, single bond, CH, CN, n times is poly. एक्राइलोनाइट्राइल। अगला देखें टेफ्लॉन, तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 n टाइम्स। आई डोंट थिंक वी शुड हैव अ प्रॉब्लम विद बेसिक टाइप। प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास अब जैसे रबर की बात करें, रबर के अंदर अब फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन कर दिए। प्रॉब्लम आती है जब हम फॉर एग्जांपल रबर लें, रबर की एग्जांपल लेती हूँ। अब वो डाइन है, रबर का मोनोमर लेते हैं वो है ये। अगर इसको देखें नेचुरल रबर है 2-methyl-butadiene, जो प्रोडक्ट है उसको देख के स्टडी करें तो कैसे इन मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, तो एन सच मॉलिक्यूल्स वुड गिव यू व्हाट, तो ये विल से लिंक हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड CCH3 डबल बॉन्ड CH देन CH2 n टाइम्स। देखो जरा क्या हुआ, अनसैचुरेशन जो थी वो शिफ्ट डबल बॉन्ड बीच में आ गया, इधर से भी जुड़ गए, इधर से भी जुड़ गए। यह नेचुरल रबर पॉली आइसोप्रीन, तो पॉली आइसोप्रीन ये है। सारे के सारे कॉन्फर्मेशन जो रबर के हैं वो सिस हैं। इसके कारण वो क्या होता है, वो कॉइल अप होने लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रबर की एंट्रोपी जब आप उसे स्ट्रेच करते हैं वो बढ़ती है कि कम होती है, तो जब स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर इज डैश चेंज ऑफ एंट्रोपी, पॉजिटिव कि नेगेटिव, क्योंकि वो लीनियर बनना चाह रहा है फ्रॉम समथिंग विच इज कॉइल्ड। तो कॉइलिंग जब है, आपने स्ट्रेच करके उसे लीनियर कर दिया है, आपने एंट्रोपी उसकी कम की है, ये आईआईटी क्वेश्चन है। तो व्हाट हैपेंस टू द कॉइल्ड स्ट्रक्चर व्हेन यू स्ट्रेच इट, क्या करें, अब उनके अंदर जो वैंडरवाल फोर्सेस थे वो खोल रहे हैं। देखो अब उसने क्वेश्चन को पॉलीमराइजेशन से उठा के अब किसके साथ लिंक कर दिया, ओजोनोलिसिस के साथ। जिसने ओजोनोलिसिस को पढ़ लिया है समझ आती है, उसने प्रोडक्ट बताया 2 formaldehyde की यूनिट और एक इस IUPAC नेम क्या बताओगे, 2-keto प्रोपेनॉल। तो ये प्रोडक्ट बने हैं और इसका मतलब अब क्योंकि इसमें दो लिंकेजेस हो सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये कहीं बीच में रहा होगा। तो मैंने लिखा इसे ग्लायोक्साइल यूनिट टाइप है, जस्ट दैट एक तरफ इसके अंदर CH3 लगा है और एक तरफ इसके अंदर CO है, ये मॉलिक्यूल दोनों तरफ से लिंक हो सकता है। दूसरी तरफ उसने कहा है फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे लिख देते, इधर भी लिख देते। जब ओजोनोलिसिस हुआ होगा यहां से टूटा होगा, इसको दोबारा से जोड़ के लिखे, रिवर्स चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा CH3 CH double bond CH H double bond CH CH। व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल, 2-methyl-butadiene। क्वेश्चन है अ मोनोमर विच मस्ट हैव पॉलीमराइज टू गिव विच, ये कौन सा पॉलीमर का पार्ट है, देख ही रहे हो 2-methyl-butadiene मतलब क्या, ये अगर पॉलीमराइज करूं तो हम कहेंगे H और H, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास जब पॉलीमराइजेशन होती है ऑल कॉन्फर्मेशंस आर सिस। तो नेचुरल रबर में खास बात है कि वो बल्कि ग्रुप सारे एक ही तरफ में एन टाइम्स लिंक करता है, तो सिस कॉन्फर्मेशन मुझे समझनी है। ये है रबर का, नेचुरल रबर का पोर्शन जो मैंने पढ़ाना था। अब आप एक काम करेंगे कि मॉड्यूल में से
सारे के सारे पॉलीमर्स जो दिए गए हैं, उनके रिएक्शंस दिए गए हैं, एनसीईआरटी में जो है पढ़ के उसके बाद कुछ आईआईटी क्वेश्चन करें। मैंने कुछ टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए जो ज़रूरी हैं, इससे आपके बाकी सारे क्वेश्चन होंगे। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना मत। बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार ही बस समझने की बात है, यू विल डू वेल। बट देर इज़ वन विच कनेक्ट्स ऑल द क्वेश्चन टुगेदर, दैट इज़ पॉलीमर के भी और बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन जब जोड़ के आए वो भी एक साथ ही आ जाएगा क्वेश्चन, उसमें भी घबराना नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन वैसा भी करा देती हूँ। अब देखो, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर दोनों को एक क्वेश्चन लिंक करके बना दिया गया। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, कितना सिंपल क्वेश्चन है जो अगर आप इसे छोड़ के जाते हो चाह पाएंगे, बट एक्चुअली देर इज नथिंग टू इट। सी देयर, एक आपके पास अब कार्बोहाइड्रेट, फिर पॉलीमर, फिर ये चले गए अमीनो एसिड, और फिर आ गए फिर से कार्बोहाइड्रेट, और वो पूछ रहा है विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो आपके पास सेल्यूलोज के लिए क्या कहोगे? नेचुरल है। तो व्हेन आई स्टार्ट कनेक्टिंग आई एम गोइंग टू राइट पी। नाउ व्हेन आई से नायलॉन 6.6 सिंथेटिक है, पॉलीमर है क्यू। व्हेन आई से प्रोटीन इट्स गोइंग टू बी नेचुरल पी। सुक्रोज आई विल नॉट से इज अ पॉलीमर। तो पहले वाला पी या क्यू दो के साथ लिंक होगा। अब देखें, व्हेन आई से अमाइड लिंक आई मस्ट कनेक्ट CONH2 के लिंक से बना था। तो नायलॉन 6, आई रिमेंबर यू हैड अ डायमीन एंड यू हैड अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सो आर सेल्यूलोज, नो अमाइड लिंक। प्रोटीन्स आर अगेन अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर, अमाइड लिंक फिर से होगा, सुक्रोज में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अगला है ग्लाइकोसिडिक लिंक। तो ग्लाइकोसिडिक लिंक क्या था? दो कार्बोहाइड्रेट को जोड़ा था वाटर के लॉस से, तो सेल्यूलोज क्या है? यूनिट्स है बीटा डी ग्लूकोस यूनिट्स जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंक। योर आंसर वुड बी एस। हियर योर आंसर इज कुछ भी नहीं था। हाउ डू आई कनेक्ट वन टू द अदर इज एज बेसिक एज जस्ट नोइंग योर एनसीईआरटी एंड अ लिटिल लेवल हायर। इजी क्वेश्चन, यू कुड हैव गॉट इट ऑल करेक्ट। नाउ स्टडी द मॉड्यूल्स, डू द क्वेश्चंस, डू दिस चैप्टर एंड डू इट वेल। गॉड ब्लेस।